नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कैथल के कमेटी चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं नगर परिषद कैथल के ऑफिस के बाहर हम हैं और हमारे साथ हैं गोपाल सैनी जी, जो यहां पर जो दीपावली के शुभ अवसर पर नगर परिषद के अंदर 5 साल इन्होंने गुजारे हैं और 5 साल बाद जो है जो यहाँ पर दिया जला करके इस जो धरती का इस ऑफिस का पूजन करने के लिए आए हैं। इससे पहले इन्होंने जो दिया लगाया था वो शहीद स्मारक के अंदर लगाए थे। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज किस विषय को लेकर आए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। दीपावली की आपको, पूरे शहर को जी जी, और ख़ासतौर पर मीडिया वालों को ख़ासतौर से बधाई देता, आज के दिन मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ जी। आज का मुख्य उद्देश्य हमारा नगर परिषद, जिसका मैं पार्षद रहा हूँ जी, और यहाँ दिवाली के अवसर पर दीप प्रज्वलित करने आया था और इसमें मेरे साथ हमारे नगर परिषद के बहुत ही मेहनती कर्मचारी भी मेरे सहयोगी बने हैं जी। रत्ना जी हैं जी, JBC चालक हैं और मैंने इन्हें लगभग कभी रात को 3 बजे भी उठाया है, 2 बजे भी उठाया है, सुबह सुबह 4 बजे भी उठाया है, भरी दोपहर में भी काम लिया है इनसे जी। एक नगर परिषद के पास एक JBC मशीन है, एक ही रत्न ये और ये बहुत सारी में, कुछ लोग कहते हैं नगर परिषद में कर्मचारी है सिर्फ ऐसे, मैं कहना चाहता हूँ भी कुछ दो चार कर्मचारियों के बदल से वजह से हमारी नगर परिषद के कर्मचारियों की संभाल नहीं हो रही। बहुत सारे हमारे कर्मचारी अपनी खूब सारी मेहनत के साथ नगर परिषद का नाम रोशन करते हैं और अब पूरे वार्डों में और पूरे शहर के लिए काम करते हैं। रतन जियों का मैं विशेष आभारी हूँ, लगातार काम करने वाले हमारे ये कर्मचारी हैं। इसके साथ दरोगा है मेरे साथ, पंकज दरोगा जी, रात डे नाइट ड्यूटी भी करते हैं, सुबह भी सबसे पहले उठते हैं जी, लगातार। इस जैसे जितने भी दरोगा हैं मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। कैथलॉग क्लीन लखड़े में अपने दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर आपका साफ सुथरा कैथल शहर नज़र आता है। आज इस नगर परिषद की भूमि पर खड़ा होकर मैं हमारे सभी कर्मचारियों को और हमारे सभी कर्मचारियों की तरफ से सभी शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं जी। सर, राजेशदास जी भी हैं, बहुत मेहनती और हमारे साथ लगे रहते हैं। 31 वार्ड के 31 MC हैं सर। नगर परिषद में आप आए हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको लगाव हो गया और चेयरमैन के इलेक्शन लड़ेंगे सर? जी, मुझे नगर परिषद नहीं, मुझे पूरे कैथल से लगाव है और इसी लगाव को मैंने 5 साल गुजारे हैं, पूर्व पार्षद हूँ और आगे भी परमात्मा ने मौका दिया, मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती श्रीता गोविंद मेरे साथ आए हैं और शहरवासियों ने। क्या आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे? ये संगठन तय करता है, अगर हमें संगठन मौका देगा। आपकी इच्छा है सर? इच्छा होती है, जो नगर परिषद ऐसा होता है कि जो भी कोई राजनीति करता है वो इच्छा तो रखता है जी जी। तो अगर संगठन ने इजाज़त दी, मोहर लगाई तो हम ये कैथल के विकास के लिए, कैथल को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मैं काम करूँगा और कैथल का विकास करूँगा और आने वाले समय में हम हमारे यहाँ के नगर परिषद का उज्जवल समय है और नगर परिषद आने वाले समय में बहुत सारा इतिहास गढ़ेगी जी। और पिछले हमारे टाइम में भी रिकॉर्डेड हमने सीवरेज व्यवस्था को रिकॉर्डेड, आज से पहले इतनी सीवरेज कभी नहीं बिछे, इतनी पाइपलाइन बिछाई है कि वो रिकॉर्ड है हमारी नगर परिषद का। आने वाले समय में हम हमारे पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत धन्यवाद। पंकज दरोगा हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। पंकज जी, किस प्रकार देखते हैं आज गोपाल सैनी जी आए हुए हैं और आपको सम्मानित किया गया है? गोपाल सैनी जी ने हमें पहले कोरोना काल में भी बहुत बार सम्मान किया और हमारा बहुत सहयोग किया, जब सभी के सभी घरों में रहते थे तो इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से मान सम्मान भी किया और हमारे साथ मिलकर शहर को साफ रखने में सहयोग किया जी। तो क्या कैसा व्यवहार है इनका, किस प्रकार देख रहे हैं? इनका सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है, कभी इन्होंने किसी के भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है और मैं भगवान से इनके लिए शुभकामनाएं करूँगा कि भगवान इन्हें दोबारा मौका फिर दे जी, दोबारा नगर परिषद की सेवा करने का और शहरवासियों की सेवा करने का जी जी जी। तो साफ तौर पर जो यहाँ पर कर्मचारी है वो भी कह रहे हैं कि गोपाल सैनी जी अच्छे व्यक्ति के धनी है और रतन जी है, इनको भी सम्मानित किया गया है, कोई दो शब्द कहना चाहें सर? मैं MC साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, अपनी दिवाली की शुभकामनाएं के लिए। कोई भी MC अभी तक नहीं आया है जी, जो कमेटी के अंदर दीवा लगाया जाए जी जी। 31 बार MCO में तय, एक हमारा MC यहाँ पहुँचा है दीवा दीपक जगाने के लिए।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दें जी। तो ये रतन जी थे सफाई कर्मचारी जी, और मैं रतन जी के लिए विशेष सम्मान की वो करता हूँ कि ना अभी हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो विशेष सम्मान से वंचित रहे हैं जी। अगर इनका काम देखा जाए जो रात दिन जो काम करते हैं, यकीन मानिए ये बहुत कुछ डिजर्विंग है, इन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए। मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ और मैं जो इंस्पायर होता हूँ मैं इन्हीं कर्मचारियों से होता हूँ भी। मैं लगभग 12 से 14 घंटे काम करता हूँ, ये 24 घंटे लगातार किसी भी टाइम का उसी टाइम पता नहीं कितने गोवंश उन्होंने उठाए हैं, पता नहीं क्या कुछ। एक बात हो रहा है गोपाल जी की, कैथल की जो सीट है वो लेडीज रिजर्व के अंदर आई है और गोपाल जी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ये मानने की या दिखाने के लिए भी गए हैं भी अगला ऑफिस हमारा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, चेयरमैन के लिए हमारा ऑफिस है। नहीं, ये मेरे साथ अक्सर 2-4 बार नगर परिषद में आई है। अच्छा। और यकीन मानिए ये मेरे जैसे साथी हैं तो इनका मैं कोऑर्डिनेशन चलता है। मेरे वार्ड में जब कुछ कुर्सियां रखी गई थी तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, अभी कुर्सियां तो लोग रख रहे हैं आप ट्री गार्ड क्यों नहीं रखते, फिर ट्री गार्ड कोई भी नहीं अवेलेबल करा सकता। तो हमने एक ट्री गार्ड की मुहिम छेड़ी, वो पूरे शहर को औरों को भी, इवन DFS हमने कई कर्मचारी भी हमसे मांग के लेके गए हैं हमें ट्री गार्ड दीजिए जी। और अब हम 2 शब्द इनसे ले लेंगे दीपावली पर। मैडम क्या कुछ शहरवासियों को कहना चाहेंगे, शहरवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी शहरवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो गोपाल सैनी जी और अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं, नगर परिषद के बाहर इन्होंने दिया लगाया है और सिद्धि स्मारक में भी इन्होंने दिया लगाया है और शुभकामनाएं दी हैं शहरवासियों को। और एक तरफ बड़ी जो बात ये निकल कर आई है कि इन्होंने एक बड़ी घोषणा या दावा किया है कि चेयरमैन का जो इलेक्शन है उसके अंदर इच्छा है और पार्टी मौका देगी, तो कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकी है गोपाल सैनी ने, बड़ी खबर ये है। तो एक जो कैंडिडेट है मैदान के अंदर और उतर चुका है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय के अंदर क्या कुछ सरगर्मियाँ निकल कर बाहर आती हैं। फिलहाल दीपावली की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।